हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट का को थैंक यू करना चाहूँगी जो मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं और मुझे बताते हैं कि उनको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। सो थैंक यू वेरी 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 मच। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सेकेंड राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अभी जिन स्टूडेंट ने क्वालिफाई करा था जुलाई के अंदर और उनका जो अभी फर्स्ट राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में कहीं पर भी जॉब नहीं लगी है, या जॉब तो मिल गई बट अच्छी जॉब नहीं लगी है, तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। इंस्टीट्यूट ऑलवेज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए दो बार कैंपस प्लेसमेंट लाता है, जो कि एक फर्स्ट राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो, और फिर वो बिग सेंटर्स के लिए होता है, और सेकेंड राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उसके एक दो महीने बाद होता है जो कि स्मॉल सेंटर्स के लिए होता है। सेकेंड राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जनरली थोड़ा सा स्मॉल होता है, और सेकेंड राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा हाई चांस होते हैं कि कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगी। क्यों? क्योंकि जब जो नए नए जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करे थे, बहुत सारे थे, अभी काफ़ी सारों को तो फर्स्ट कैंपस में जॉब लग गई होगी, नॉन कैंपस भी जॉब लग गई होगी, तो अभी कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट के लिए गोल्डन चांस है जिनको या तो जॉब ही नहीं मिली है या फिर अच्छी जॉब नहीं मिली, वो अपने आप को एक ट्राई करना देना चाहते हैं। तो मैं आपको सारी टाइमलाइन बताऊंगी सेकंड राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए। जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, और कोशिश करो कि जो सेकंड राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वाली अपॉर्चुनिटी है आप इसको मिस ना कर सको। इवन मैं यहाँ पे आपको एक अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैं क्वालिफाई हुई थी तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था, मुझे वहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी ने शॉर्टलिस्ट करा था, वो भी जेनपेक थी, और वहाँ पर भी मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, मतलब इंटरव्यू हुआ था बट क्रैक नहीं हुआ था इंटरव्यू। बट जब सेकेंड राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, वहाँ पर मुझे सिक्स कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करा, जिसमें PwC भी थी, डिलॉइट भी थी, और ICICI बैंक था, RSM LLP थी, और एक आधी और थी कोई। तो सेकेंड राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में थोड़े से हाई चांसेस होते हैं कि अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लगे हुए हैं तो आपको कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टलिस्ट करेगी, और इंटरव्यू भी ठीक होता है, टेक्निकल राउंड ही होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो सेकेंड राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है उसकी डेट्स क्या है। सेकेंड राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आपका जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है वो है 16th of October 2023, और रजिस्ट्रेशन एंड की डेट है 18 अक्टूबर। मतलब अगर आप लोग जॉब सर्च कर रहे हो, कैंडिडेट के लिए जो विंडो ओपन होगी वो होगी 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। अगर इसी बीच के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना, अगर आपने ये डेट मिस कर दी 16 to 18 अक्टूबर, देन आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था, सेम सेकेंड राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी है, कोई फीस वगैरह नहीं लगेगी। तो सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसकी विंडो ओपन डेट है 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर। फिर उसके बाद कंपनीज जो रजिस्ट्रेशन करेंगी, जो कैंडिडेट सर्च कर रही हैं, उनकी डेट भी है 18 अक्टूबर। उसके बाद कंपनीज शॉर्टलिस्ट करेंगी, क्योंकि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, अब कंपनीज आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगी। तो कंपनी के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग करने की विंडो ओपन है वो है 19 अक्टूबर to 23 अक्टूबर। तो कंपनीज 19 to 23 अक्टूबर के अंदर अंदर शॉर्टलिस्टिंग करेगी कैंडिडेट का। फिर जब आपको बेसिकली 24 अक्टूबर को पता चलेगा कि आपको किन किन कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करा है, तो आप लोगों को कंसेंट देना पड़ेगा कि सपोज अगर आपको 6 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करा है तो आप सिर्फ किसी 4 कंपनीज का ही कंसेंट दे सकते हो। तो कंसेंट देने के लिए जो विंडो ओपन होगी वो होगी 24 अक्टूबर and 25 अक्टूबर, 2 डेज के लिए। अगर आपको किसी कंपनी ने शॉर्टलिस्ट करा और आपने अगर कंसेंट नहीं दिया तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। और प्लीज़ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जब आपको पता चले आपको किन किन कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करा है तो अपने मेल्स वगैरह चेक करते रहना, क्योंकि वहाँ पे वो लिंक भेजते हैं या मेल भेजते हैं जहाँ पे वो आपको कंसेंट वहाँ पे भी देना होता है, और आपका इंटरव्यू उसी के थ्रू होगा। कई बार क्या होता है, मेरे साथ मैं आपको अपना केस बता देती हूँ, डिलॉइट ने जो मेरे को मेल भेजी वो मेल मेरे स्पैम फोल्डर में आई थी,
और मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने मेरे से कंसेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए मेल भेजी हुई है। जब वो डेट निकल गई, उसके बाद जब मैंने खूब सर्च करा तब मुझे पता चला वो मेल तो मेरे जंक फोल्डर में थी और मैं अपना इंटरव्यू नहीं दे पाई। तो जो ये है ना कंसेंट देने की डेट, इन दो डेट्स के अंदर प्लीज़ आप अपना जंक फोल्डर, स्पैम फोल्डर, सारे फोल्डर चेक करना कि जिन जिन कंपनीज ने आपको शॉर्टलिस्ट करा है क्या आपको वहाँ से मेल आई है या नहीं आई इंटरव्यू के लिए। तो कंसेंट देने की डेट होगी 24 to 25 अक्टूबर। अब जो आपका डेटा है वो कंपनीज के साथ शेयर होगा 27 अक्टूबर को। अब मेन चीज़ आती है इंटरव्यूज़ कब कब होने हैं। इंटरव्यूज़ जो होने हैं 5 सेंटर्स के लिए होने हैं। इंटरव्यूज़ कहाँ कहाँ होने हैं, दिल्ली में होने हैं, मुंबई में होने हैं, बैंगलोर में होने हैं, चेन्नई में होने हैं, कोलकाता में होने हैं। सबसे पहले जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे वो दिल्ली के लिए कंडक्ट होंगे, जो कि होगा 30 अक्टूबर को। एक दिन के लिए ही, एक ही दिन में इंटरव्यू होगा दिल्ली कैंपस के लिए 30 अक्टूबर को। मुंबई के अंदर इंटरव्यू होंगे 31 अक्टूबर को। बैंगलोर के लिए इंटरव्यू होंगे 2 नवंबर को। चेन्नई के अंदर इंटरव्यू होंगे 3 नवंबर को। कोलकाता के अंदर इंटरव्यू होंगे 4 नवंबर को। और जो इंटरव्यू के टाइमिंग होंगे ये सुबह 9 AM से इवनिंग 6 PM तक होंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ये जो कैंपस की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना, टाइम से अप्लाई करना, कंसेंट टाइम से देना, जॉब डिस्क्रिप्शन को ढंग से पढ़ना, समझना कि जॉब डिस्क्रिप्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसी हिसाब से अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। सच बता रही हूँ, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी भी मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखो जुलाई में रिजल्ट आया था एंड अभी अक्टूबर हो गया है और अभी भी मतलब जॉब्स नहीं लगी। कईयों के तो इंटरव्यूज़ वगैरह भी नहीं हो रहे, कॉल्स वगैरह भी नहीं आ रहे। यहाँ पर आपको किसी कंपनी के पास खुद नहीं जाना, किसी कंपनी को अगर आप ठीक लगोगे तो वो खुद आगे से आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसका प्लीज़ अच्छे तरीके से यूज़ करना। इसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी इशू फेस हो रहा है और आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हैं, आप चाहे तो आप मुझसे काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। हाफ आवर का कॉल सेशन होगा, उसके अंदर मैं आपके सारे के सारे जितने भी डाउट्स होंगे वो रिजॉल्व करूँगी। काउंसलिंग सेशन चार्जेबल होगा 99 रुपीज़ के अंदर। उसके अलावा अगर आपको कोई और भी एडवाइस है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट, आई होप आप लोगों की जॉब लग जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। जो आप अभी तक परेशान हुए हो कि जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, फाइनली आप लोगों की जॉब लग जाए। और प्लीज़ किसी को भी मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट होगा तो मुझे बताना, और जब आपकी जॉब लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी जॉब कहाँ लगी, कौन सी कंपनी में लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो हमारी यहाँ तक थी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।